हमारे गांव में जो 500 बीघा जलनोट भूमि है उसमें से अवैध बबूलों की कटिंग की जा रही है। हजारों पेड़ बर्बाद हो गए हमारे। हमारी ये मांग है ग्रामीणों की, आगे कार्रवाई की जाए, कटवा देना सही आप बम्बू। हरे पेड़ काटने पर ग्रामीणों में आक्रोश। राजसमंद जिले में खटामला ग्राम पंचायत के वासनी गांव में कतिपय लोगों द्वारा चरागाह जमीन से अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। गांव के सुनील गुजर ने बताया कि चरागाह जमीन पर बबूल व अन्य पेड़ों को काटा जा रहा है। शिकायत के बाद कुमारिया तहसील से राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौका पर्चा रिपोर्ट भी तैयार की। हालांकि मौके पर पेड़ काटते हुए कोई नहीं मिला। बाद में खटामला सरपंच हिम्मत सिंह चुंडावत ने भी मौका मुआयना किया। साथ ही गांव के कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल को भी शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। अब देखिए इस तरह से चरागाह जमीन पर अवैध रूप से बबूल व अन्य पेड़ों की कटाई की गई है और आक्रोशित ग्रामीण क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। मैं सुरेश चंद्र गुजर निवासी वासनी का रहने वाला हूँ। हमारे गाँव में जो 500 बीघा जलनोट भूमि है उसमें से अवैध बबूलों की कटिंग की जा रही है। सारे बबूल ये पड़े हुए हैं, देखो सारे यहाँ से ना जाने हजारों पेड़ों की कटिंग कर दी है। पता नहीं इनकी कर्मचारियों की मंशा क्या है क्या नहीं है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब गांव वाले यहाँ से हजारों आदमी यहाँ आके उनको फ़ोन कर रहे हैं लेकिन मौके पर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है मिली भगत हो इनकी, बाकी मौके पर क्यों नहीं आते। ये हजारों पेड़ बर्बाद हो गए हमारे यहाँ, चाहे वहाँ जहाँ तक नज़र घुमाओ वहाँ तक कटा हुआ सारा माल पड़ा हुआ। एक भी कर्मचारी इधर नहीं आया कि भाई हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो 10 मिनट बताते हैं, घंटा बताते हैं। ग्रामीण यहाँ कम से कम 100 आदमी यहाँ खड़े हैं, सुबह से 8 बजे से खड़े हैं, लेकिन अभी तक 2 बज गए लेकिन एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी ये मांग है ग्रामीणों की, आगे कार्रवाई की जाए इन पर। भाई किसने किया ये इतना नुकसान हमारे गाँव का? अच्छा, इस तरह से अगर पर्यावरण को नष्ट कर देंगे ये लोग तो फिर करेंगे क्या? हमें कोई आइडिया ही नहीं, सामने कोई आ नहीं रहा है और मौके पर कोई है जी, नहीं। आपका नाम क्या है? सीताराम दास। यहाँ नहीं कटवा देना सही राम बम्बू। अच्छा, और कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कटवा देना सही राम, मतलब समाधान चाहते हैं आप यहाँ? हाँ, समाधान चाहते। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग चले गए हैं और इन लोगों में काफ़ी रोष है कि ये जंगल इन्होंने मतलब अज्ञात लोगों द्वारा कटवाया गया है और देसी बबूल है होंगे तकरीबन 30-40 पेड़ और बाकी अंग्रेजी लगा के काफ़ी हो गए। ये गोचर भूमि है, यहाँ गायों के चरने के लिए मुंह डालने के लिए बिल्कुल ही मतलब कोई जगह नहीं है, घूमने के लिए भी मतलब कांटों से गुजरना पड़ रहा है। और 2 नंबर में चोरी के साथ इन्होंने मतलब ये पर्यावरण को क्षति पहुँचाई है और इन पे एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो काला चेहरा है वो छिपा हुआ है, वो काला चेहरा सामने आवे उन पे मतलब एक्शन लेके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, यही इन लोगों की राय है। आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल बील है जी। और यहाँ पर बम्बूल काटे जा रहे जी जी, हमको पता लगने पर हम भी यहाँ आए मौके पर देखे तो बम्बूल कई सारे बम्बूल काट रखे हैं। यही सब कुछ बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरा भी यही राय है कि उचित से उचित कठोर से कठोर कार्रवाई हो इन लोगों के प्रति जो भी हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।